आपसे मिलना था तो आप मुझे ट्रेनिंग की तारीख बताइएगा। हाँ जरूर, देखिए मैं नेशनल मेडिकल सेंटर में होती हूँ सुबह 12:30 से 2:30 डेली, और अगर आप जमजमा आना चाहती हैं तो स्किन एंड लेजर बाय शहनाज है, विच इज ऑपोजिट बटर चॉकलेट कैफे इन जमजमा, तो आप उधर आकर मुझे मिल सकती हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और मेरा नंबर आप मेरी वेबसाइट से ले सकती हैं 3 से 7, और इसके अलावा अगर आप मेरा फोन नंबर लेना चाहती हैं तो वो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा, विच इज www. नहीं वो तो आप नेल्स की बात करें, नाजिया अशरफ .com जी बताइए। हाँ नेल्स की बात करी थी जी। नहीं मुझे चेन पे ना हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा थे तो उसके लिए मुझे लेजर करवाना था। तो ऐसा कब से है आपके साथ? ये मेरे पास कुछ 1 साल से है। 1 साल से है, ठीक है। तो ठीक है, इसकी असल में पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है वो करनी पड़ती है, जिसमें हार्मोनल टेस्ट होते हैं हमारे, आप कुछ हिस्ट्री के सवालात होते हैं, ये देखना होता है कि क्या बॉडी पे और जगह है, खाली चिन के ऊपर है। तो डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप इन टू माई क्लिनिक, तो मैं आपको डिटेल में सारी हिस्ट्री लेके टेस्ट वेस्ट देके, और उसके बाद डेफिनेटली लेजर तो उसके साथ करना ही पड़ेगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कितनी किस चीज की जरूरत है, बट लेजर तो इसमें डेफिनेटली होगा इंशाल्लाह, डेफिनेटली ड्रॉप बाय। थैंक यू, बात की आप बहुत अच्छी हैं। अरे तो मैं हर बार कहती हूँ मिस्टर रिजवान, हाँ पर बी केयरफुल, आपने किसने डराया हमें? ये डॉक्टर नाजिया समझ गई होंगी मैंने उसको किसने डराया। ओह माय गॉड, अच्छा थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिस्टर रिजवान। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है? आप भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्या था ये तो बाद में पता चलेगा कि क्या था। ओके डॉक्टर नाजिया, कमिंग बैक टू द मेल टॉपिक, अब आप डरिएगा बाद में। बिल्कुल, हाँ देखिए इसके अंदर ये मैं बता रही थी कि ज्यादा अगर हम मेल के साथ बहुत छेड़छाड़ करते हैं, बहुत ज्यादा पेडिक्योर, दोनों नेल्स की हम बात करें, फीट के और हैंड्स के, तो पेडिक्योर और मैनिक्योर जब भी हम बहुत ज्यादा यहाँ से जब क्रैक्स पड़ते हैं, और ज्यादातर खवातीन क्योंकि बहुत ज्यादा नेल के बारे में होती हैं, आदमी इतना नहीं करते, और वही लोग हैं जिनका सबसे ज्यादा हाथ पानी में रहता है, यहाँ से जब पानी इन क्रैक्स के थ्रू एंटर होके वहां जाके रह जाता है तो यहाँ आ जाता है फंगस, और फिर वो नेल होने लगता है, ग्रीन पे होने लगता है, ब्लैक, यहाँ सूजन होने लगती है, बहुत सारी चीजें, या तो पेरोनाइकिया होने लगता है, यानी कि आपके जो है वो नेल्स क्रैक होने लगते हैं और अंदर जाकर चुके कोई इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वहां से ये होने लगता है, या फिर ये टेढ़े मेढ़े ग्रो करने लगते हैं, बिकॉज टेढ़े इसलिए होने लगते हैं कि जब उनके अंदर क्रैक्स पड़ रही हैं और उसके ऊपर से क्या, तो वो फिर अंदर वो सही प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा, और जैसे ही नेल को अंदर बेड के अंदर जाने लगेगा यहाँ आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, और यहाँ से आपको पीप निकलने लगेंगे, और जब यहाँ से पीप आने लगेगा तो आपको लगेगा तो मेरा इनग्रोन कैसे हो गया, मैं तो नेल भी सही काट रही थी, उसमें ऑब्वियसली नेल काटने की मिस्टेक होती है इन्वॉल्व, लेकिन जब ये एक दफा इनग्रोन स्टार्ट हो जाए बहुत मुश्किल हो जाता है इसको ट्रीट करना, डॉक्टर के लिए भी और उसके अलावा पेशेंट के लिए भी, क्योंकि उसको पानी से बचाना होता है। इधर ये कंफ्यूजन आ जाता है, सर्जन कहता है नेल निकाल दो और डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट कहता है नेल को रहने दो, क्योंकि नेल निकालना इज नॉट द आंसर, अगली दफा दोबारा जब नेल बढ़ेगा वही उस पॉइंट पे टच करेगा अगेन वही प्रॉब्लम होगा, तो नो मैटर आप नेल एक दफा निकाल देते तो वो तो नहीं, एक्चुअली इस तरह से नहीं होता। देखें अगर नेल एक दफा डैमेज हो चुका है तो डैमेज उसकी नेल बेड में हुआ है इफ इट्स अ फंगस, ठीक है, लेकिन अगर एक दफा वो डैमेज हो गया है तो आप ये सोचें कि आपका नेल बेड में इन्फ्लेमेशन, क्योंकि देखें किसी को पहली दफा आकर नेल जब इन्फ्लेम्ड होता है आप फौरन जाके नेल नहीं निकाल लेते, आप उसको क्रॉनिक करते हैं, पहले 2-3 महीने आप देखते हैं, चांस देते हैं, सर्जन भी देख रहा होता है कि चलो कोई नहीं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो ठीक नहीं होता तब तक आपकी नेल बेड में अच्छी खासी इन्फ्लेमेशन हो चुकी होती है, और अगर आप कंपेयर करें तो सही वाले नाखून से इस वाले इसमें इन्फ्लेमेशन काफी, यहाँ का जो हाइपरट्रोफी हो जाती है टिश्यूज में जो बढ़ जाते हैं आपके टिश्यूज वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। और भी बात करते हैं इस बारे में, कॉल आप डर रहे हैं वापस बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? फौजिया बोल रही हूँ जी। फौजिया कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, क्या कहना चाहती हैं? जी मैं स्किन के बारे में, मेरा क्वेश्चन है, पूछिए। स्किन के झुर्रियां जो है वो अर्ली एज में क्यों आती है, डाइट में हमें किस चीज की केयर करनी चाहिए? ठीक है, और बस डाइट में भी केयर करनी चाहिए, सन एक्सपोजर में भी केयर करनी चाहिए, पोल्यूशन में भी केयर करनी चाहिए, और स्ट्रेस से भी केयर करनी चाहिए, और बाकी हम डॉक्टर नाजिया से पूछते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच कॉल, हमने बहुत ब्रीफली सारे आंसर दे दिए, तो मैं सोची फिर हम नए सवाल जाने, आप तो मतलब डिटेल में रोशनी डालते हैं ना, आपने हेडलाइन अच्छी दी है,
बिल्कुल सही कहा कि देखिए डाइट का, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वक्त से पहले आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि प्रीमैच्योर हो रहे हैं, और इसकी कोई ना कोई वजह आपकी अंदरूनी सेहत के अंदर है, जिसमें या तो आप रिकरेंट बार बार बीमार होती रही हैं। तो वो क्या खा क्या रही है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत इसमें जरूरी है, दूध का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फिटनेस आ जाती है बहुत सारी वजूहत की वजह, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी, हमारे यहाँ जो लोग छोटे फ्लैट्स में रहते हैं धूप से एक्सपोजर नहीं है, आपको पता है वो कन्वर्जन के स्टेप्स ही जब नहीं होंगे तो विटामिन डी की भी कमी होगी और वो कैल्शियम भी मोबिलाइज बॉडी में से नहीं होगा तो कैल्शियम की भी कमी होती है। तो ये सारी चीजें सोचनी चाहिए अपने आप को। आप देखिए फिर ये देखिए रिकरेंट प्रेगनेंसीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरे पास कितनी पेशेंट्स ऐसे आती हैं वो आके शुरू हो जाती हैं कंप्लेन करना कि जी जी जी, जब आप उनकी हिस्ट्री ले तो पता चलता है कि हर एक साल के बाद अगर एक बच्चा उनको हो रहा था तो नेचुरली उनकी हेल्थ सही ही नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उनके बाल अब इतने गिर रहे हैं कि वो काबू में नहीं आ रहे। तो ये चीज को इंपॉर्टेंस आप दें। और जब झुर्रियों की बात आती है तो आप ये देखिए कि आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्या है। आप ऊपर अंदर से तो चले ठीक है आपने कर भी लिया, लेकिन ऊपर से क्या हो रहा है, आपने क्या अच्छी नाइट क्रीम लगाई, अच्छी आई क्रीम लगाएं, क्या आप बाहर ऐसे ही निकल जाती हैं, सनब्लॉक लगाती हैं कि नहीं लगाती, अच्छे फेशियल वॉशेज हैं आपके पास, आप कॉस्मेटिक अगर लगाती हैं क्या उसको रिमूव करती हैं कि नहीं, आप कितना स्ट्रेस लेती हैं, जैसे आपने कहा आप बाहर निकलती हैं तो आके क्या वापस क्लेंजिंग करती हैं चेहरे की कि नहीं, ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं कि इसके ऊपर अगर आप पेशेंट से हिस्ट्री लेने पर बैठे तो आपको सारे जो सेलियंट मिस्टेक्स होती हैं वो काफी आराम से आ जाती हैं नजर, और फिर उसके बाद ये है कि आप उसको ट्रीट करें। तो चलिए कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मुझे मैं शाहीन बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर नाजिया से बात करनी है। जी, मेरा बेटा 9 साल का है, उसकी आई लैशेस पे ना बहुत ज्यादा खुश्की है, और वो मैं खुश्की निकालती हूँ तो पलके भी निकल के आ जाती है। प्लीज मुझे इसका जवाब दे दे, मैंने 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये बताइए कि आपके बेटे के जो सर पे भी खुश्की है? नहीं सर पे नहीं है, लेकिन नजला बहुत रहता है। अच्छा, और कान के पीछे? नहीं कान के पीछे भी नहीं, सिर्फ पलकों पे रहती है? जी सिर्फ पलकों पे, बहुत दोनों पलकों पे, दोनों। ऐसा कब से है? ऐसा 15-20 दिन तकरीबन महीना हो गया। अच्छा, पहले कभी नहीं था? नहीं पहले कभी। ठीक है मैं पलके भी झड़ने लगी हैं। हाँ, वो तो फिर इसके साथ बॉडी पे भी कुछ नहीं है ना? बॉडी पे ठीक है। सही, आपको आपको आंसर कर जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नहीं, देखिए आई लैशेस के लिए तो नहीं ये चीज इंडिकेटेड है, क्योंकि यहाँ जैसे ही इसको निकालने की कोशिश कर रही है, ये मिस्टेक यही आ रही है कि वो इसको निकालने की कोशिश कर रही है और आई लैशेस वीक होके गिर रही हैं। मसला ये है कि आई लैशेस ग्रो करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लिहाजा बराए मेहरबानी उसको खींच के निकालने की कतई कोशिश ना करें। इस तरह की ऑइंटमेंट्स आती हैं जिसमें थोड़ा स्टेरॉइड इन्वॉल्व होता है, और वो आपको थोड़ी देर लगानी चाहिए, क्योंकि ये हो रही है आई लैशेस की, आप सिंपल कहें कि एक्जिमा है, डर्माटाइटिस है। ठीक है, अब अगर आप इसको, अब ये तो छोटा 9 साल का बच्चा है तो डेफिनेटली चले को कॉस्मेटिक या किसी चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने पहला सवाल किया कि अक्सर लोगों के सर में डैंड्रफ होती है जो कि गिर के इधर आती है पलकों पे और कान के पीछे बच्चा को जाता है, लेकिन इन्होंने कहा कि इसको बार बार नजला होता है, इसका मीन कि कोई ना कोई एलर्जी का या कोई ना कोई हाइपर एलर्जिक स्टेटस दिख रहा है। तो फॉर दैट इसको सबसे पहले IgE लेवल्स, इनके CBC ESR वगैरह करा के चेकअप करना चाहिए क्या है, और फिर CBC ESR और IgE लेवल्स बिल्कुल जरा, हाँ वरना दिखा रहे हैं डॉक्टर को, तो उससे ये फर्क पड़ेगा कि वो उसको देंगे देखेंगे। इसके बाद ये ऑइंटमेंट्स आते हैं वो लगाने पड़ते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंटी एलर्जिक पे इनको रखना पड़ता है, ये सारी चीजें अगर करेंगे तो जाकर इनको जरा बेहतरी आएगी, लेकिन ये थोड़ा सा रिकरेंट होता है वंस इट स्टार्ट, तो उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, लेकिन ये खुद से कुछ भी ना करें, क्योंकि इसको मैंने अगेन कहा कि पलकें अगर एक दफा गिरती है आईलैशेस उनको रीग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, तो ऐसा ना करें। हाँ मतलब डिपेंड करता है, अभी इन्वेस्टिगेशन वगैरह आएंगी तो उससे पता चल जाएगा, लेकिन इसमें सर के लिए भी जो एंटी डैंड्रफ प्रेपरेशन है वो जरूर देनी चाहिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलिमेंट उसका इन्वॉल्व जरूर होता है। तो नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन जो हमारा आज का टॉपिक है, पर बहुत सारे लोग कैस्टर ऑयल लगाते हैं जी, ये करने के लिए एलमंड ऑयल लगाते हैं। देखिए ये सारी चीजें, मसला ये है कि लगाने में हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आपको इस तरह के केसेस में या किसी भी केस में कोई एलर्जी डेवलप हो जाती है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जिसकी हम बात करते हैं, जैसे कि लोगों को अक्सर चीजों से निकल एलर्जी से निकल से होती है, सर्फ साबुन से जो डिटर्जेंट्स होती हैं उनसे होती है, कई लोगों को मसालों से होती है, इस तरह से अगर किसी चीज से हो जाए तो बजाय फायदे के उसके नुकसान ज्यादा है। तो इसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि देखिए आई लैशेस भी जैसे और जगहों के बाल होते हैं, ये डिपेंडेंट होता है आपके अपनी इंटरनल हेल्थ और जेनेटिक फैक्टर्स पे। अब कई हैं लोग जिनकी फैमिली में बड़ी अच्छी आई लैशेस होती हैं और कई लोग हैं जिनकी बहुत ही कम होती हैं,
तो इसके लिए बहुत ज्यादा टची होने की जरूरत नहीं है। खवातीन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जी ये फॉल्स आईलैशेस बहुत ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि उनके साथ जो उनकी ग्लूज वगैरह होती है वो डेफिनेटली हम सही से निकालने और लगाना हमें नहीं आता, ज्यादा लगा देती हैं निकालते हुए, फिर आपकी अपनी जो आईलैशेस है वो डैमेज हो रही होती हैं, वो एक मसला है, तो वो नहीं करना चाहिए। और प्लस बहुत ज्यादा हैवी मस्कारा डेली वेयर में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप टेलीविजन देख के डेफिनेटली बहुत इंस्पायर होते हैं इन चीजों से कि जी मैं लगा लूं, लेकिन ये कि डेफिनेटली इसके नुकसान यही होते हैं। और अपना इस लिहाज से कोई भी चीज की ज्यादा इस्तेमाल एक्सेसिव यूज जो है वो हमेशा खतरनाक होता है, तो वो ना करें। और कभी कभार ठीक है आप ओकेजन पे आपने लगा लिया तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप लाइनर लगा लेते हैं, काजल लगा लेते हैं, तो उससे भी काफी आपकी पलकें बेहतर रहती हैं। सही। कमिंग बैक टू द नेल्स, ये जो क्यूटिकल रिमूव करना होता है ये कैसा रहता है? कुछ लोग कहते हैं क्यूटिकल नहीं रिमूव करना चाहिए, प्रोटेक्टिव लेयर। बिल्कुल, एक्चुअली देखिए इसके अंदर ये है कि इसके लिए चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग हाउ टू रिमूव इट। अब हमारे यहाँ क्या है कि हर गली मोहल्ले में हर आदमी जो है वो खड़ा हो गया है। आप जाएं अपना आप इन्वेस्ट करें, सैलून खोलें, आप कहें जी मुझे आता है और आप शुरू हो जाएं, तो आपको कोई चेक करने वाला नहीं है पहली बात, ठीक है ना। अब आप किसी के साथ कुछ भी कर रही हैं, अब अगर आपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर सबके लिए रखा है तो इट वोंट वर्क इन दिस। देखिए जैसे एक तरह का लाइनर या एक तरह का आई मेकअप सबको सूट नहीं करता, डिपेंड्स अपॉन कि आपकी शक्ल क्या है, आपके कपड़े क्या है, आपका फेस कट क्या है, आपने बाकी मेकअप कैसे किया है। सेम ये एक ही पेडिक्योर मैनिक्योर का बिहेवियर जो है या हैबिट है या प्रोसीजर है वो सब पे पूरी तरह फिक्स नहीं करता। अक्सर आप जाती होंगी अगर किसी प्रोफेशनल अच्छी जगह के ऊपर जो वेल रिप्यूटेड है, वहां लोग कहते हैं अक्सर आप कोई ना कोई स्टेप ओमिट कर देते हैं, नहीं इस दफा आपके नेल्स बहुत वीक हो रहे हैं, इस दफा बफिंग की जरूरत नहीं है, इस दफा ये नहीं, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। राइट, क्यूटिकल से क्या होता है कि वो एक जो जिस किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से वो अंदर जाकर जब उसको साफ कर रही होती है तो अमूमन वो बहुत ही एग्रेसिव होकर उसको डीप कर देती है, जिसकी वजह से आपके अपने एग्जैक्टली वही गलत है। वही एक तो आपने कंटेमिनेट किया इंस्ट्रूमेंट को, दूसरा ये है कि वहीं से आपको हेपेटाइटिस और इस तरह के जितने भी ब्लड बॉर्न डिसऑर्डर्स हैं वो लग सकते हैं। ये इसीलिए इसकी हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए कि जी 300 रुपए में हो रहा है, जबकि 3000 या 2000 का एक पेडिक्योर या मैनिक्योर हो रहा था। अब उसी में पैसों का मसला नहीं है, आप सिर्फ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक्निक को मॉनिटर करें, उसकी ये रेपुटेशन देखें कि भाई वहाँ जो लोग हैं क्या वो ट्रेंड हैं और क्या वो अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और वो इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज में कर रहे हैं। हर कोई अपना मैनिक्योर पेडिक्योर सेट लेके वो ज्यादा बेहतर है। और हद से ज्यादा एग्रेसिव होने की इसमें जरूरत नहीं होती, हर महीने अननेसेसरी जरूरत भी नहीं है कि आप कर लें। आप घर में अगर मैनेज करती हैं तो फुट स्क्रब या बॉडी स्क्रब जो आम मिलते हैं वो ले लें, लूफा ले लें, और उसी से अगर आप अपने जो है पैरों को साफ कर लेते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन वो लूफा लगा के स्क्रब से, तो आपके काफी ज्यादा पैर साफ हो जाते हैं। आप एक महीना नहीं तो छोड़ के 2 महीने बाद करें, लेकिन आराम से अच्छी जगह से कराएं जिससे आपको पता हो कि उसको काम आता है, काम आना है। देखें अगर आप 3000 कभी पेडिक्योर करा रही हैं दैट गर्ल डजंट नो कि हाउ टू डू इट, तो देन इट्स ऑफ नो यूज। तो वो आप चीज को देखिए कि किस चीज की क्या अहमियत है, क्या क्या है, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो। करने वालों के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है कि वो उस चीज को समझें, और करवाने वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो उस चीज को जाने, क्योंकि इससे वॉट्स निकलते हैं। कई सैलून मैंने बल्कि बड़ा अच्छा कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम भी किया था और मैंने लिखा भी था एक आर्टिकल जिसमें सैलून के अंदर जाने से ही, हम भी करेंगे नेक्स्ट वीक, कि कौन से टॉप 10 डिसऑर्डर्स हैं जो सैलून जाने से लगते हैं, कोई भी चाहे खवातीन या आदमी। बिल्कुल, तो वो नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह से कवर करेंगे। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत अच्छा, लोगों ने अप्रिशिएट किया था उसको उस टाइम भी, तो मैं इसको जरूर टॉप 10 डिसऑर्डर्स जो है उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं है। हम जाते हैं जैसे हम लोग थाईलैंड जाते हैं, जब भी बाहर जाते हैं स्पा जाना जी, हमें ये उसका ही एक वो है। गए वहां जाके एक खातून ने कराया मेरी पेशेंट ने वो अपना पेडिक्योर मैनिक्योर सब कुछ, जब वापस आई तो उन्होंने मुझे दिखाया बड़ा क्विकली, अभी आई है और 2 हफ्ते के बाद ही, तो मेरे हाथों में कुछ हो रहा है, जब मैंने चेक किए क्रॉप्स एंड क्रॉप्स ऑफ वायरल वॉट। ओह माय गॉडनेस, वो परेशान बहुत तेजी से स्प्रेड हुए, बहुत ही तेजी से, और इतने ज्यादा वो मुझे कहती पता नहीं मुझे दाने निकलने ठीक ही नहीं हो रहे। जब वो आके उन्होंने दिखाया तो देखो बहुत, मैंने कहा ये कैसे हुआ, उसने जब रिलेट किया अपने खुद सोचने लगी तो उसने कहा मैं तो वहां गई थी, वहां मैंने ये कराया था, मैंने कहा बस तो फिर वहीं से तुम्हें लेना। तो इस तरीके से वो लेकर आई और फिर जो कॉटरी करने में उसको तकलीफ हुई और वो जो गुस्से में आई और वो जो परेशान हुई रोई कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो वो इस चीज को रियलाइज करें कि हर जगह जाकर लोग बड़े शौकीन होते हैं, चलो मेरा काम कर दो, ये हाथ पे ये कर दो, ये फलां कर दो, ऐसा नहीं है। यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, और अगर कोई डॉजी प्लेसेस लग रहे हैं तो प्लीज इस तरह से ना। राजा ने बहुत डरा दिया है, अब हमें कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं परवीन बात कर रही हूँ। जी परवीन, कहाँ से? किप्रोस से। किप्रोस से? पहली बार हमें किप्रोस से कॉल आई, क्या बात है परवीन।
क्या कहना चाहती हैं? डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। जी करिए। जी कहिए। हेलो, ठीक हो आप? कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे अपने स्किन के बारे में पूछना था। जी बताइए। मेरी स्किन बिल्कुल व्हाइट नहीं है, रूखी रूखी है, शाइनिंग नहीं है स्किन में। बता रहे ऐसा कब से हो रहा है? ये शुरुआत से ही मेरी ऐसी है। शुरुआत से ही ऐसी है? अच्छा, हल्के हल्के दाग भी है और व्हाइट भी नहीं है, ग्लो भी नहीं करती। ग्लो भी नहीं करती। आप कैसा ख्याल रखती हैं इसका? मैं फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और ऊपर से क्या लगाती हैं स्किन के ऊपर? कोई भी यूज सॉप यूज कर देती हूँ, लक्स वगैरह और फेयरलवली यूज करती हूँ। अच्छा, फेस वॉश और मॉइस्चराइजर क्या लगाती हैं? फेस वॉश नहीं, वो फेयरलवली बोल रही हूं। फेस वॉश भी यूज करती हूँ। अच्छा, फेस वॉश भी यूज करती हूँ। और कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाती? जी नहीं। अच्छा ठीक है। और सनब्लॉक तो फिर लगाती नहीं होंगी? अच्छा, एक महीने के बाद मेरे भाई की शादी है, प्लीज कोई आखिर वक्तों पे याद आती। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। परवीन, अच्छा प्लीज कोई अच्छा टिप्स बताना, एक मंथ के अंदर कुछ अच्छे रिजल्ट आ जाए। मसला ये देखे परवीन कि आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना पड़ेगा। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर द कॉल। अच्छा, मैं फोन रखूँ फिर बता? जरूर। ठीक है जी, ऑन एयर आंसर देते हैं आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। देखिए, अब ये वाकई बहुत होता है, एक महीना 15 दिन पहले अचानक जाग उठा इंसान। वो तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जादू चलाई है, जादू चलाई है, हमारे पास कोई मैजिक स्टिक नहीं होती। लेकिन द थिंग इज दैट कि इसमें अंडरस्टैंडिंग इस चीज की है कि आप जैसे इन्होंने बताया कि शी इज नॉट वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट एनी ऑफ हर स्किन प्रोडक्ट, स्किन केयर रेजिमेंट की कोई खास नहीं है। कुछ भी मिला लगा लिया, नहीं मिला तो ठीक है। यहाँ से गड़बड़ स्टार्ट होती है कि कुछ अच्छे से चल रही होगी उनका, कभी भी ऐसा मैंने देखा नहीं था। तो इनको पहले अपनी स्किन टाइप को आइडेंटिफाई करना है। अगर शी कैन नॉट डू दैट, तो उस केस में उनको ये करना चाहिए कि वो अपने डॉक्टर के पास जाए, स्किन स्पेशलिस्ट के पास। लेकिन मुझे नहीं पता कि इनकी इस छोटी जगह पर वहाँ पे क्या एक्सेसिबिलिटी होगी या किस तरह के डॉक्टर होंगे। बड़े शहर जो उनके करीब आता है, हैदराबाद है या इस तरह की कोई जो अच्छी बड़ी जगह हो, उधर वो जाएं और वहाँ जाने माने जो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपने जब फेस आप दिखाते हैं ना, तो डॉक्टर उसी वक्त आइडेंटिफाई करके आपको आपकी स्किन टाइप से क्वेश्चन करके फेस वॉश, सनब्लॉक, मॉइस्चराइजर देता है, स्क्रब देता है और इस तरह के दाग धब्बे खत्म करने के लिए। क्योंकि उन्होंने एक्नी का कोई जिक्र नहीं किया तो मतलब नहीं है जैसे, और दाग धब्बे उनको खत्म करने के लिए क्रीम दी जाती है। वो क्रीम देने से इंशाल्लाह इस तरह का फर्क पड़ता है। एक महीना डेफिनेटली डिपेंड करता है कि इतनी जल्दी हमें रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि हमें देखना है डैमेज कितना है। लेकिन मेकअप इज अ वेरी नाइस आर्ट, तो जब ये इस तरह से अभी ट्रीटमेंट में रहे, बिल्कुल बिल्कुल, तो जब ये अभी अपने ट्रीटमेंट पे जारी रहे, कोई मसला नहीं, अपनी डाइट और वो सब चीजें भी अच्छी करें, लगाने वाली चीजें डॉक्टर साहब इनको दे देंगे, और बाकी फिर ये होगा कि बकिया जो है वो ट्रीटमेंट शादी के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं और ये मेकअप के अंदर बाकी चीजें भी हाइड हो जाएंगी। लेकिन अगेन, मेकअप सेलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी स्किन टाइप के मुताबिक, और उसको लगाना है और उतारने का आर्ट। क्योंकि अब भाई कई लोग सिरे से मेकअप नहीं करते, जब उनके घर में कोई करीबी शादी होती है तो उस वक्त करते हैं, लेकिन फिर उनको उतारने का तरीका नहीं आता। क्या प्रोडक्ट उतारने के लिए यूज किए जाएं, मेकअप क्लेंजर्स आते हैं, रिमूवर्स आते हैं, आई मेकअप रिमूवर अलग आता है, इसको कैसे लगाते हैं लोग, यूं ही लगा लेते हैं। कॉटन वुल इस्तेमाल करनी चाहिए, ये भी मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी कि मेकअप उतारना क्या प्रॉपर प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। जब तक ये सब चीजें हम नहीं आइडेंटिफाई करेंगे ना, क्योंकि ये औरतों का रोजाना का मसला है, ठीक है ना। अगर जो रोज ऑफिस जाती हैं, रोज काम पे जाती हैं, तो अगर आप शादी ब्याह में ऑब्वियसली वीकेंड पे कुछ ना कुछ जरूर हो रहा होता है, उस तक अगर आप नहीं उसको लगाते उतार पा रही, तो ये सब चीजें आप डैमेज कर रही हैं, तो आप उनका ख्याल रखें। ठीक है, और डॉक्टर नाजिया, हमारा नेल का टॉपिक जो है ना वो बीच में ही रह गया। व्यूअर्स, हम अगली बार जब डॉक्टर नाजिया वापस आएंगी तो हम उनसे दोबारा से नेल ही डिस्कस करेंगे। अभी वक्त हुआ है ये सेगमेंट खत्म होने का और मुझे डॉक्टर नाजिया को बाय बाय करना पड़ेगा, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू डू, बट करना पड़ेगा। डॉक्टर नाजिया, थैंक यू सो मच। मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, फैजान इतना अच्छा बच्चा हो गया है ना कि बंपर से हमें इस तरह से वापस लेके आया, मजा आ गया। वैसे भी अब नेक्स्ट टाइम भी गलती होगी तो तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। नहीं, अब गलती नहीं कहते, बड़े हो गए, 31 साल के हो गए हो भाई, ऐसे कैसे गलती हो सकती है। मायरा, मैं गलती का पुतला हूँ, मैं वही गलतियां करता हूँ बार बार। पुतला है आप, सुनने मान जाएंगे, पुतला, दुबला पुतला, पुतला। नाजिया आश्रय, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक मस्ट मॉर्निंग टू यू टू बोथ ऑफ यू। आई एम सो सॉरी, हमारी जरा जो खिटपिट है ना, कोई मसला नहीं, मैं डेली एंजॉय करती हूँ, लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। खिटपिट नाजा, इतने प्यारे प्यारे मुझे ये छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना। हाँ,
ribbons aapne aapne kiya packing sari maine karwaye the idea sabse achhi baat pata kya hai packing bahut achhi hai andar cheez bhi achhi hai andar cheez bhi aaj mahira aur mujhe bhi ek example milne wala hai najjia ki sabse pyari baat ye hai najjia jis din aa rahi hoti na main aur sadar excited hote hamari puri team ko excitement hoti hai kyunki sabke liye gifts aa rahe hote hain kitne khush hote hain ki aapko bata rahi hu morning show host hone ka sabse bada maza ye hai ki bahut milte hain bahut milte hain aap log chuttiyon pe kab ja rahe hain हमें छुट्टी उठी नहीं मिलती ये मॉर्निंग शो का बड़ा प्रॉब्लम छुट्टी नहीं होती मिले ना मैं उस साइड पर आऊंगी तो फिर मुझे भी फायदा होगा कि मैंने कहा कोई छुट्टी पे जा रहा तो मैं आपने कह दिया ना आपने कह दिया ना अगले टाइम जब आप आएंगी ना आपको डॉन की पूरी टीम अच्छा सरप्राइज ठीक है ये हमारा आपसे वादा है सबसे अच्छी बात ये आई है और आज मुझे जब मॉइस्चराइजर मिलेगा तो कल से मैं सही तरह से हंस सकूंगा क्योंकि मैं जब हंसता हूँ तो मेरी स्किन खिंचने लगती है और मुझे लगता है कि मेरा मुंह फट जाएगा ऑनेस्टली मैं इसलिए भी कभी कभी कम हंसता हूँ डॉक्टर नाजिया को अपने हाथ दिखाएं हाथ दिखाए ना आपको ठीक है डॉक्टर ये थोड़े से बेहतर उन लोगों में से नहीं है जो अपने नाखून चबा के सारा वक्त खाते हैं डॉक्टर मैंने पूरा बचपन जो है ना अपना ऐसे करके गुजारा ये लड़कों को वैसे बहुत ज्यादा शौक होता है कंपेयर टू गर्ल्स मैंने ये देखा बहुत ज्यादा एक चीज होती है फिर वो टेंशन में डेवलप हो जाती है जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं स्ट्रेस होता है उनको पता ही नहीं होता और वो पढ़ रहे हैं और निकालते चले नाखून चबाते इसकी वजह से नेल पूरे आपके जो नेल बेड और आगे से वो पूरे टूट जाते हैं वो ग्रो नहीं करते हर वक्त वो गीले गीले ऑब्वियसली क्योंकि सलाइवा इज एन एसिड ना तो उसकी वजह से आप कंटिन्यूसली नेल की पूरी जो आगे की लाइनिंग है उसको ब्रेक कर रहे हैं तो वो ना आगे ग्रो कर पा रहा है और अगर ग्रो भी कर रहा है तो बहुत ब्रिटल होता है गलत चला जाता है साथ आप इसको भी अपनी फिंगर्स को भी डेफिनेटली जो आपको सलाइवा कंटिन्यूसली लग रहा है तो वो खराब होता चला जाता है और ये चीजें अमूमन उन बच्चों को भी होती है जो बचपन से अंगूठा चीजते होते हैं ये चीज आगे जाके फिर इसमें डिवेलप होती है और ऐसे बच्चे स्ट्रेस बहुत लेते हैं अमूमन ऐसे लोगों में नोट किया गया है कि नेल बाइटिंग के अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि वो इतना स्ट्रेस ले रहे होते हैं फॉर एवरीथिंग नाराज हुए गुस्सा आया फॉर अ नेल बाइट फॉर एवरी एंग्री रिस्पॉन्स या परेशानी का या एजिटेशन का रिस्पॉन्स वो नेल बाइटिंग से ही नजर आता है तो आज हम उसी के बारे में जी डिस्कस करेंगे कि नेल की वैसे केयर क्या करनी चाहिए हम खवातीन खास तौर पे जो प्रॉब्लम करती हैं पेडिक्योर मैनीक्योर के वक्त उनको थोड़ा बहुत हम टच कर लेते हैं और साथ में बच्चों के ये प्रॉब्लम की वो किस तरह से करते हैं और किस तरह से इनको काउंसलिंग करनी चाहिए ये नहीं कि अब उनको डाटा आईना मुंह में डाला तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी तो कोई डाटा से वो बंदा क्या करता है छुप के करता मगर हाथ से लसन लगाने से जरूर कुछ होता है होता है दवाई खाना नहीं खा सकते आप पता चले कि बच्चों को इतना अच्छा लगे मीठ के पराठों में भी लहसुन डाल के खाते हैं और बाकी बात बस इम्यून हो जाते हैं वो इन कड़वी दवाइयों से दे डोंट माइंड इट ऑल हो गया ना मैं हो गया ऐसा करते हैं कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स हमें देख रहे हैं उनसे ये पूछते हैं बदले में उनको हमको बदले में हम ये सियाटल की तरफ से जो सेटासिल लोशन है मॉइस्चराइजर इसके बारे में मैं बताऊंगी कि ये क्यों अच्छा मॉइस्चराइजर है और क्या इसके प्रॉपर्टीज है और ये जो भी कॉलर हमें अच्छा और कन्विंसिंग आंसर देंगे हम उनको जरूर करें बस ठीक है आप लोग हमें कॉल करें 0800-144-55 पे और आप हमें बताएं कुछ सबसे बेहतरीन तरीका ये जो नाखून चबाते हैं ना ये डॉक्टर नाजिया को पसंद आएगा जिसका तरीका कि कैसे छोड़ सकते हैं लहसुन के अलावा वो हमने आपको बता दिया ये टिप हम नहीं मानेंगे और भी टोटके होंगे हाँ कोई और टोटके आप बताएं और आपको मिलेंगे खूबसूरत प्यारे प्यारे से गिफ्ट हाँ जी आप बताएं ये औरतों के लिए तो बहुत अच्छी चीज आ रही है एक्रेलिक नेल्स बिल्कुल अब वो लगा के उसमें मजे से घूमती हैं हाँ। जिसकी वजह से देखिए एक्चुअली मसला क्या है कि खवातीन किचन में बहुत होती हैं हाँ। और जो लोगों की वर्क प्रैक्टिसेस जैसे शेफ हैं जैसे कि हमारे हेल्थ स्पेशलिटी के लोग हैं डेंटिस्ट डॉक्टर्स वगैरह और जो ब्यूटी इंडस्ट्री में यानी ब्यूटिशियन वगैरह हैं हाँ। वो लोग अगर नेल को ग्रो करते हैं अगर शौक है आपको के बढ़ाने का उनके लिए चीजें इतनी प्रॉब्लम करती हैं क्योंकि जितने भी जो बैक्टीरियाज और दूसरे किस्म के बग्स हैं वो नीचे यहाँ हार्बर करते हैं इम्पॉसिबल बिल्कुल एवरी मील से पहले आप बहुत घिस घिस के हाथ नहीं खोते मदिया का कॉल आ गया चले पहले कॉल आ गया उनका क्या जवाब है अस्सलाम वालेकुम मस्त मॉर्निंग मदिया अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं बिल्कुल ठीक ठाक मस्त बिल्कुल आप मस्ट मॉर्निंग क्या है मदिया बिल्कुल ठीक ठाक फैजान साहब ने तो वाकई चार चांद लगा दिए तो बहुत शुक्रिया आपका हमारा फैजान ही पूरा चांद है चार चांद चांद तो है ये और मायरा को बयान मायरा के लिए तो मेरे पास अल्फाज भी नहीं है वैसे ऑनेस्ट अल्फाज वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग के लिए आपके प्रोग्राम के लिए तो वाकई कोई अल्फाज ही नहीं है कितना जबरदस्त प्रोग्राम है आप लोगों का बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सवाल का जवाब नाजिया से बात नाखूनों के बारे में जी हाँ पहले तो मैं मस्त सवाल का जवाब दूंगी कि बेटियां तो एक तरह से फूल होती है उनको यानी कि जो देखने का चक्कर होता है ये एक बेहतरीन तरीका है जाहिर है कि हालात बदल गए हैं वक्त बदल गया है अब तो हमें अपने आप को भी बदलना चाहिए वो जो पुराने वक्त की थी कि लड़कियों को देखने आ रहे हैं लोग ये अब एक तरह से
सही नहीं है ये, नुमाइश लगती है कभी कभी मुझे। मतलब ये है कि आपको अगर कोई लड़की देखनी है तो बहुत से इवेंट होते हैं, तकरीबात होती है, तो वहाँ पर आप जाके अगर आपको लड़कियाँ देखें, बहुत लड़कियाँ आती हैं, तो आपको ये है कि वहाँ पर बेहतरीन तरीका ये है कि आप वहाँ देख लीजिए लड़की को, और फिर ये है कि घर जाके आप, जाहिर घर तो जाने ही पड़ता है, हाँ पैर भी देख लें, नाखून चाहिए, नाखून तो नहीं चबाती, टेंशन वाली लड़की नहीं है। इसी मेकअप में क्या पता लगता है शादी में। नाखून नकली तो नहीं है। बेटियां जो होती है फूल होती है, बिल्कुल फूल। डॉक्टर नाजिया से पूछेंगे आपको नाखूनों के बारे में, आप तो नहीं नेल बाइटिंग करती? नहीं नहीं मैं नहीं करती। गुड है। नहीं तो यही है कि जो करते हैं उनके लिए मेरा एक चोटका है कि ये एक चीज आती है एलवा, बहुत कड़वी होती है, वो हल्का हल्का सा आप नेल्स पे लगा दीजिए, तो वो बच्चा अगर कभी लेगा मुंह में तो वो इतना कड़वा होगा कभी फिर उसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाजिया बताएं। बिल्कुल बिल्कुल एल्वा। एल्वा क्या खबर है? लोशन जी इनका हुआ, आप लोशन जो है वो आपका हुआ, आप लाइन पे रहेगा, अपना एड्रेस लिखवा दे, आप तक लोशन पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच, मस्ट मॉर्निंग। थैंक यू। हाँ जी देखें, इसके साथ मैं ये बताती चलूँ कि वाकई नेल्स के साथ जिन लोगों को शुरू से ही छेड़छाड़ करने की आदत होती है, जैसे बचपन से बहुत सारे बच्चे एक नेल बाइटिंग करते हैं, अगर वो नेल बाइटिंग नहीं कर रहे तो नेल एनिमल्स माओं को देख के बच्चियां बहुत लगा रही होती है कि नेल पॉलिशेस बहुत लगा रही है, टू मच एप्लीकेशन या बहुत देर तक नेल पे रहने से नेल, आपने नोट किया होगा, अक्सर येलो हो जाते हैं। येलो हो जाते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अजीब से हो जाते हैं। अच्छा फिर उनको सही करने के लिए एक्सेसिव किस्म का मैनीक्योर एंड पेडीक्योर करते हैं। उधर हम क्योंकि इतनी देर आपने देखा है नेल्स को काफी स्टेप्स में हम पानी में रखते हैं, थोड़ा फिर साफ करते हैं, फिर तो उसमें थोड़ी सी एक सॉफ्टनेस आ जाती है, और अगर बहुत एग्रेसिव किस्म का कोई नेल फाइल और इस तरह से कर रहा हुआ विद इन द स्टेप तो वहां पड़ जाते हैं क्रैक। लेटर ऑन जब आप घर गई हैं, आपकी आदत है कपड़े भी धोनी है, बर्तन भी धोनी है, बिल्कुल, तो वो अंदर सारा यहाँ क्रैक्स के थ्रू पानी जाके रिटेन हो जाता है और ये हार्बर करता है फंगस। तो यानी एक चीज जो कहाँ से शुरू होती है और वो कहाँ जाके खत्म हो रही है, फंगस आ जाए तो वो समझे कि एक ऐसा मेहमान है जो जाने का नाम नहीं लेता, अनलेस अनटिल जी बिल्कुल, मतलब काफी क्रॉनिक होता है, लोग सालों साल उसको लेके बैठे होते हैं और कहते हैं जी ये तो जरा सा ठीक होता है, खराब होता है, और फिर वो क्या मसला है कि वो आहिस्ता आहिस्ता और नेल्स को लेता चला जाता है, और अगर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, जैसे कि आपको डायबिटीज है या इस तरह की कोई और प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होता है कि वो स्किन को और आहिस्ता आहिस्ता सारे नेल्स को इन्वॉल्व करते चला जाता है, तो उसकी सीरियसनेस को समझें, और अगर कोई भी चीज आपके साथ आ रही है तो वो जो सबसे पहले कहते हैं कि देखते ही उसको आप तशखीस करने की कोशिश करें या डॉक्टर के पास जाके उसको दिखाएं और फिर उसको ट्रीटमेंट कराएं, ना कि इंतजार करें कि जी वो सब में फैले और आपको पेन करें, क्योंकि वो हमारे पास कॉल आ गई। सॉरी नीना जी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम नीना, मस्त मॉर्निंग। मिसेस राहिला अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मस्त मॉर्निंग। मस्त मॉर्निंग। कैसी हैं? बहुत खुश, बहुत मस्त, आपकी तरह। अरे वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मायरा, सबसे पहले तो मैं आपको लक्स अवार्ड जीतने का मुबारकबाद दूंगी। लक्स अवार्ड जीतने का थैंक यू सो मच। मुबारक को बेनते हैं, खुशी हुई उस दिन मैं इतनी कॉल मिला रही थी कि मैं फौरन ही आपको मुबारकबाद दूं। आपने वोट किया था मेरे लिए? हाँ बहुत किया था उस दिन आपको, लेकिन उस दिन उस दिन मुबारक नहीं दे सकी, तो आज मैं मुबारक देती हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत खुशी हुई मुझे, अल्लाह मियां आपको ऐसी कामयाबियाँ दे। थैंक यू। अच्छा और दूसरे ये मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी मैं जी, कि ये जो शादी का तरीका है ना आजकल जो ज्यादा हो गया है कि घर 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 देखने का, ये बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए। इसलिए कि बच्चियां जो होती हैं बहुत नाजुक, बहुत हसास और बहुत प्यारी होती हैं, जैसे हमारी बेटियां वैसी सबकी बेटियां, तो सबसे ज्यादा जो होता है ना वो बच्चियां हर्ट होती हैं बे इंतहा, यानी कि वो अपनी जज्बात भी किसी को शो नहीं कर सकती ना, ना घर वालों को, ना पेरेंट्स को, ना अपने दोस्तों को। तो राहिला इन हालात में क्या करना चाहिए? तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जिससे भी कॉन्टेक्ट करें अपने बेटे की शादी के लिए, तो वो आजकल तो बच्चियां सभी पढ़ती हैं माशाल्लाह, तो कहीं ना जब वहाँ जहाँ वो पढ़ती हैं, जहाँ वो जाती हैं ट्यूशन, कहीं भी आप जाएं अपनी खवातीन जाके देख लें, अगर उन्हें अच्छी लगे, पॉजिटिव हो उनकी थिंग, तो फिर रब्ता करें। साहिला बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओपिनियन शेयर करने का, मगर मेरा पर्सनली ख्याल है कि ज्यादातर आजकल लड़के ट्यूशन सेंटर पहुंच जाते हैं और कॉलेजों के बाहर वो गाड़ियों में खड़े हुए म्यूजिक लगा के
یہ بھی ہو جاتا ہے کوئی لڑکا تو بولا سلاش ہاں لڑکوں کے میں لڑکوں کی کچھ حرکتوں کے بڑا خلاف ہوں کالجوں میں باہر جا کے ہارن بجانا اور گانے تیز کرنا جو مال پڑتی صحیح پڑتی ہے صحیح پڑھنی پڑانے زمانے میں کالجوں کے باہر لڑکوں کو مرغا بنا دیتے تھے پاکستان میں ہوا کمپنی کالجوں سے دور رہتا ہوں میں السلام علیکم مائرا کیا حال ہے بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہو ہم بھی ٹھیک ہے مست مارننگ سکھر کا موسم کیسا ہے سکھر بیراج کا کیا حال ہے سکھر بیراج آپ کا انتظار کر رہا ہے یار اچھا ہمارے ہمارے میں تو کہتی ہوں کہ آپ کچھ پروگرام ایسے آؤٹ ڈور بھی لے کے جائیں بالکل ہم بھی ایسے شروع کرنے والے ہیں دو بار ہم آئیں گے میری یہ ایڈوائس ہے کہ آؤٹ ڈور بھی کریں آپ جو ہمیں دکھائیں تمام شہر پاکستان کے جو ہیں بالکل تو یہ آپ کریں گے تو اور زیادہ آپ کا شو مست ہو جائے گا بالکل ہم نے سن لیا ہے یہ آئیڈیا آپ کا بس اس پہ کام کرنا شروع کریں گے اور ان شاء اللہ پورے پاکستان میں آپ کا بھی آنسر دوں گی اور ڈاکٹر ناجیہ کا بھی آپ کا آنسر تو یہ دوں گی کہ یار یہ موجب طریقہ تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ لڑکے کو اپنے ساتھ لے کے بھی جا رہے ہیں نا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ اس کو لے جاؤ دکھا دو لڑکی نا اور لڑکی بھی دیکھ لے کیونکہ ہمارے مذہب میں بھی اس بات کی اجازت ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو تو اگر دکھا بھی لے جائے کیونکہ میری نن کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا لڑکے نے کہا کہ ہم نے دیکھنا ہے ہم نے کہا کوئی بات نہیں آپ دیکھ لو اور ماشاء اللہ سے وہ آج اتنے خوش ہیں 10-11 سال ہو گئے ہیں بہت زبردست جا رہے ہیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم نے دکھائیں گے یہ کیا بات ہے ہم اپنی لڑکی ارے کوئی بات نہیں یار اجازت ہے اس بات بالکل ایسی ریزنیبل سوچ ہے آپ کی کتنی اچھی بات ہے بالکل اور ناجیہ والا جو سوال ہے اس کا جواب ناجیہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاک میں بالکل ٹھیک ہوں آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں بہت شکریہ اور میں آپ کے اگر سن گیا تو یہ آنسر دوں گی کہ سب سے پہلے تو بچے کو اگر آپ یہ بتاؤ گے نا اس کو کہ بیٹا یہ جو آپ کرتے ہو نا تو یہ بیڈ ہیبٹ ہے دوسروں کی نظروں میں نا آپ خراب ہوتے ہو اچھا نہیں لگا کہیں بیٹھے ہو نا تو ایک گھنسی آتی ہے اگر بچے کو اس طرح سے سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا اور جو بڑے ناخن چباتے ہیں ان کا کیا کریں ان کو تو چپل لگا دو جا کے قریب ان کو تو پتہ ہے لچن یا کچھ لگ گیا تو ہاتھ دھو کے فوراً پھر چبانے لگ جائیں گے وہ دھو کر لگاتے ہیں پتہ ہے کہ کوئی کر رہی چیز تو اور کوئی کہتا ہے لیکن پھر وہ سب چیزوں میں ظاہر بندہ کھانا دکھائے گا کچھ بھی کرے گا تو سوال کے اتنے اچھے جواب پہ ہم آپ کو گفٹ ضرور بھیجیں گے دینا چاہیے یہ آپ کا ہوا آپ کا ہوا اور اس کے ساتھ یہ بریک ہماری ہوئی بریک کے بعد ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا مسوانے رنگوں بھری جو صبح اس کا آغاز ہو گیا اور اس کے ساتھ چل کے دیکھتے ہیں بوجھے تو جانے کا یہ کلپ یہ سرا کس نام سے جانا جاتا ہے جی ہاں یہ تھا بوجھے تو جانے کا کلپ اب آپ دیکھیے اور ہمیں بتائیے ہاں جی اب تو جاری رہے گی ہماری ناجیہ سے ٹانگ ہلانا جو ہے یہ بہت برا ہے پتہ ہے ناجیہ امی کہتی ہیں ابھی تک کہتی ہیں کہ ٹانگ نہیں ہلانی چاہیے اما ابا پہ قرض چڑھتا ہے آپ بھی ہمیں فون کر کے بتائیں کہ قرض چڑھتا ہے کہ نہیں یہ ٹانگ ہلانا بہت بری بات ہے یہ کیسی عجیب سی مثال تھی مطلب یہ تو وہی بات ہوگی کہ رات کو بال کھولنے سے جن آ جاتا ہے آ جاتے ہیں آپ بتائیں میں نے کبھی نہیں دیکھا بہت ساری باتیں کہتے بچوں کے لال بال تو ابھی کھلے میں دیکھیں کہیں میں بھاگ گیا میں سوال کرنا میں بوجھے تو جانے کا پہلے بتا دوں گی ایکسائٹمنٹ ذرا ہم وہ کریٹ کر دیتے ہیں بیچ میں بولنے کی عادت نہیں جائے گی ٹانگ ہلاتا ہے تو مجھے تو جانے کا آپ نے کلپ دیکھا ہے اس کے بدلے میں آپ کو ملیں گے بامبے جینز کے دو ٹکٹ اس کا مطلب کہ ہمارے دو ونرز ہوں گے آپ ہمیں ٹیکسٹ میسجز کریں اور بامبے جینز اگر کسی کو نہیں پتا تو ہمارے ابھی آج ہی پروگرام میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ بامبے جینز کیا ہے تو آپ کی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی